श्रीगंगानगर के घड़साना धान मंडी में कृषि जींसों की खुली बिक्री पर प्रशासन की पैनी नजर है। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए एसडीएम रामअवतार कुमावत साथ ही में तहसीलदार दानाराम लूना व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत अग्रवाल ने धान मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों और मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के निर्देश यहां पर उन्होंने दिए और साथ ही में मौजूद व्यापारी और मजदूरों को अनिवार्यता से मास्क पहनकर आने की हिदायत भी दी गई। कृषि जिंसों की बोली के दौरान पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। उसके बाद आने वाली समस्त गाड़ियों और ट्रॉलीज को सैनिटाइज किया गया। इसी के साथ आने वाले सभी व्यक्तियों के सैनिटाइजर से हाथ भी धुलवाए गए और मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने की हिदायत यहां पर दी गई। मंडी में रोटेशन से दुकानें उचित दूरी बनवाकर खुलवाई गई। कृषि जिंसों की शुरू 16 तारीख को खरीद शुरू कर दी है हमने। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट सरकार ने हमें दी है उसी गाइडलाइन पे हम काम कर रहे हैं। धारा 144 और सोशल डिस्टेंस का मेन ध्यान रखा जा रहा है और ड्रोन कैमरे से हर पूरी मंडी को देखा जा रहा है। सर्वप्रथम हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय ने एक ऐप जारी किया है RSMP के नाम से। उन्हीं द्वारा उसी ऐप द्वारा हम किसानों को ई पास जारी करवाते हैं कृषि उपज मंडी द्वारा। और वो सुबह ट्रालियां 6 से 9 मंडी प्रांगण में एंट्री करने से पहले सैनिटाइज करवाते हैं और उसके बाद में 20 से 25% दुकानें हम पूरी धान मंडी में ओपन करते हैं।